more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. बेपनाह का आज का एपिसोड होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज आदित्य मिलने वाला है अर्शद से। दरअसल वसीम सिद्दीकी आदित्य और जोया की बढ़ती नजदीकियों को देखकर जोया की शादी कराने की सोचेगा ताकि वो आदित्य से अलग हो जाए, और इसके लिए वसीम अपने दोस्त के बेटे यानी अर्शद को चुनेगा। और इसी सिलसिले में वसीम ने अर्शद को घर पर भी बुलाया है, लेकिन जोया अभी इन सारी बातों से अनजान है। इसके आगे आप देखेंगे कि उसी वक्त आदित्य जोया के घर पहुंच जाएगा और अर्शद को देखकर काफी हैरान हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अर्शद और आदित्य के बीच काफी मारपीट हुई थी किसी बात को लेकर, और उस मारपीट में अर्शद घायल भी हो गया था। इसके आगे आप देखेंगे कि आदित्य को देखकर अर्शद उसे ये पूछ बैठेगा कि आप यहाँ पर कैसे, और जिसके बाद अर्शद अपने गाल पर लगे चोट के निशान को भी दिखाकर ये बताएगा कि ये सब सिर्फ आदित्य की वजह से ही हुआ है, जिसे सुनकर वसीम को आ जाएगा काफी गुस्सा। इसके आगे आप देखेंगे कि आदित्य बुरी तरह से वसीम के गुस्से का शिकार हो जाएगा और वसीम आदित्य से ये बोलेगा कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे मेहमान पर हाथ उठाया। इसके बाद आदित्य के पास कोई जवाब नहीं होगा, जिसकी वजह से वो वसीम की कही गई सारी बातों को शांत होकर सुन रहा होगा। और इन सब के बाद ये सब जानना होगा काफी दिलचस्प कि क्या होगा जब जोया को पता चलेगा कि उसकी शादी अर्शद से होने वाली है। क्या जोया इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से स्वातिक रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.